11 अगस्त 2022 राखी बांधने का सही शुभ मुहूर्त। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है, इसलिए भद्रा काल में भूलकर भी ना बांधे राखी। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा काल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए इस बार बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी अपने बहन की रक्षा के लिए वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपनी भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा काल जो कि शनिदेव की यानी बहन है भद्रा, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके लिए विशेष तौर पर दुआएं मांगती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से इस दिन बचें। पहनने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली में आप यानी कि उसे अवश्य तैयार कर लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपनी भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान श्री गणेश जी के राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। आप अंत में भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुँह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं और बहनों को रक्षा बांधने के बाद कुछ न कुछ उपहार स्वरूप अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए आप जानते हैं साल 2022 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:03 पर शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2022 की सुबह 7:05 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में 12 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 11 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसीलिए
11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा और इस दिन रवि योग में राखी बांधने का कई गुना शुभदायक समय रहेगा। सुबह 5:48 से लेकर सुबह 5:53 तक दोस्तों रवि योग रहेगा, जबकि शाम 6:55 से लेकर रात्रि 8:20 तक अमृत योग भी लगेगा और 11 अगस्त को आयुष्मान योग भी रहेगा जो कि दोपहर 3:32 से तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा जो 11 अगस्त की दोपहर को 3:32 से यानी कि शुरू हो जाएगा और 12 अगस्त की सुबह 11:33 तक रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन जो कि 11 अगस्त को भद्रा का समय रहेगा, भद्रा समाप्त होने के समय 11 अगस्त 2022 का जो रात्रि 8:50 पर यह समाप्त हो जाएगा भद्रा, यानी कि इसमें भद्रा समाप्त होने के बाद राखी बांधना काफ़ी बेहद शुभ रहेगा। जैसे ही भद्रा समाप्त हो यानी कि 11 अगस्त 2022 गुरुवार की रात्र को 8:50 पर जब भद्रा समाप्त होगा, वैसे ही आप यानी कि राखी का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा जो कि देर रात तक चलेगा। तो आप सभी ध्यान दें कि इस पूरे दिन आपको राखी नहीं बांधना है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारणवश आपको पूरे दिन राखी नहीं बांधना है, केवल और केवल रात को 8:50 के बाद ही आपको यानी सभी को राखी बांधना है, क्योंकि भद्रा का समय अच्छा नहीं होता। दोस्तों आप देर रात तक बांधी राखी बांधें और अपने भाई के लिए मंगल कामना करें, अपने बहन की रक्षा के लिए कामना करें, तो इस प्रकार से आप साल 2022 में रक्षाबंधन मना सकते हैं 11 अगस्त को। और दोस्तों इस बार रक्षाबंधन के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, योग बन रहे हैं, साथ ही साथ कई विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, अद्भुत योग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है, भाई बहन का एक अटूट बंधन माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी रक्षाबंधन कब है 2022 में 11 या 12 अगस्त को, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही साथ भद्रा काल का समय और किस समय आपको भूल कर भी राखी न बांधे संपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माता दी।